नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल इंजीनियरिंग नॉलेज बाय राम लखन यादव में। आज आप इस वीडियो में देखेंगे कास्ट इन सीटू RCCI गर्डर का इन्फोर्समेंट प्लेसिंग कैसे किया गया है, इसका सारा डिटेल आपको इसमें देखने को मिलेगा। दोस्तों इसमें चार लॉन्गिट्यूडनल गर्डर है, दो एंड क्रॉस गर्डर है दोनों एंड पे, और एक इंटरमीडिएट क्रॉस गर्डर है। तीनों गर्डर का रिइंफोर्समेंट प्लेसिंग कंप्लीट हुआ है। आज हम आप दोस्तों ये टॉप प्लान है डेक स्लैब का, जिसका लेंथ 26 मीटर का है और विथ 12 मीटर 900 है। इसमें चार लॉन्गिट्यूडनल गर्डर दिया हुआ है, एक दो तीन चार, और दो एंड क्रॉस गर्डर दिया हुआ है दोनों एंड पे, एक और दो, और इसमें एक इंटरमीडिएट क्रॉस गर्डर दिया हुआ है। जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन 11 कटिंग किया है दोस्तों, इसमें दिया हुआ है एंड फेस से 2500 mm है, स्ट्रेट पोर्शन है गर्डर का, 1500 का स्लोप है, और इसका जो हाइट है गर्डर का हाइट 2 मीटर है, स्लैब का थिकनेस 220 mm है, टोटल हाइट 2 मीटर 220 हो जाएगा। इसमें जो इंटरमीडिएट क्रॉस गर्डर है उसका जो थिकनेस 300 mm का है, और जो एंड क्रॉस गर्डर है उसका थिकनेस 400 mm का है। इस सभी का साइट पे रिइंफोर्समेंट प्लेसिंग कंप्लीट हो गया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें चार लॉन्गिट्यूडनल गर्डर दिया हुआ है दोस्तों, जिसका आप देख सकते हैं साइट पे रिइंफोर्समेंट प्लेसिंग कंप्लीट हुआ है। दोस्तों ये एंड फेस है लॉन्गिट्यूडनल गर्डर का, जिसमें स्लीव लगा हुआ है पेडेस्टल के ऊपर बियरिंग में। इसमें जो फर्स्ट बॉटम में स्टील प्लेसिंग किया गया है 32 mm का है, जो एज पर ड्राइंग के अनुसार बार मार्क नंबर 4 है, 12 नंबर दिया हुआ है, 6 नंबर एक लेयर में दिया गया है और 6 नंबर दूसरे लेयर में स्पेसर बार दे करके। दोस्तों ये स्पेसर बार दिया हुआ है पूरे ये लॉन्गिट्यूडनल गर्डर थ्रू आउट द 26 मीटर के डायरेक्शन में प्लेसिंग किया गया है 32 का। बार मार्क नंबर 4 है, 32 mm का 12 पीस दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये रिइंफोर्समेंट शेड्यूल है, इसमें दिया हुआ सेक्शन 11 में, ये सेक्शन 11 है एंड फेस का, उसी हिसाब से एक लेयर में 6 सरिया है, 1 2 3 4 5 6, दूसरे लेयर में 6, ये स्पेसर बार दे करके। उसके बाद से दोस्तों सरिया जो प्लेसिंग किया गया है 4A 25 mm का डाया है और 4B 25 mm का डाया है। इसमें जो सेकंड लेयर दिया गया है दोस्तों, ये देख सकते हैं 4B 25 mm का डाया है थ्रू आउट द 26 मीटर स्पान के डायरेक्शन में दिया गया है। चारों गर्डर लॉन्गिट्यूडनल जो गर्डर है उसमें प्लेसिंग किया गया है। अब दोस्तों मैं आपको एंड क्रॉस गर्डर का रिइंफोर्समेंट शेड्यूल दिखा रहा हूं, जो प्लेसिंग किया गया है देख सकते हैं साइड पे। उसके बाद ये इंटरमीडिएट क्रॉस गर्डर है, जिसका थिकनेस 300 mm है। पूरा इसका जो लेंथ है 12 मीटर 900 है, लॉन्गिट्यूडनल गर्डर को क्रॉस करते हुए रिइंफोर्समेंट प्लेसिंग किया गया है सभी में। पूरा टॉप प्लान मैं दिखा रहा हूँ टॉप से आपको, चार लॉन्गिट्यूडनल गर्डर है इसमें। शटरिंग का काम चल रहा है, एंड में एंड क्रॉस गर्डर है जिसका थिकनेस 400 mm है। ये इंटरमीडिएट क्रॉस गर्डर है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा पूरा रिइंफोर्समेंट शेड्यूल ऑफ कास्ट इन सीटू RCCI गर्डर का। हिल एरिया में
ये काम चल रहा है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।